नीचे कर लीजिए सब। मैं बहुत उतावली हूँ नॉर्थ जोन की लड़कियों को स्टेज पे देखने के लिए आज, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कंटेस्टेंट होना कैसा लगता है, और कि आज मैं मेंटर के हैसियत से यहाँ पर हूँ, तो मेरे लिए एक प्रकार से एक फुल सर्कल बन गया है लाइफ का। लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और उन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की है, अपेक्षा है कि इस ट्रेनिंग के द्वारा वो जब आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वो इस ट्रेनिंग से बहुत बहुत बेनिफिट होगा। मैम, आपको कितना ये बेनिफिट हुआ, आपने भी अच्छी तो आप बॉलीवुड में आए तो फैशन के साथ में काफ़ी कुछ इसमें सीखा था, तो कितना आपको बेनिफिट रहा है? आई थिंक जब भी मैं लड़कियों से बात करती हूँ, उनको यही बात की जानकारी देती हूँ या उन्हें इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि जो ट्रेनिंग आपको फेमिना मिस इंडिया में मिलता है, वो ट्रेनिंग जीवन की हर दिशा में आपके काम आता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जितना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यहाँ पर वो शायद ही कहीं और बढ़ता हो। आई थिंक योर इंडिया द प्लेटफॉर्म आई कैन थिंक ऑफ जहाँ पर इतने लेवल पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो है स्पोर्टिंग अरीना। एक स्पोर्ट्स में है और एक यहाँ पर है, तो वो चाहे कुछ भी बने, आगे जाके कुछ भी करे अपने लाइफ के साथ, वो जो सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनके बहुत काम आता है। आपके आने वाले आई थिंक हम सब के लिए, स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट के लिए, ये बहुत अच्छा समय है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखी जा रही हैं लड़कियों के साथ एट द सेंटर, एंड ऑफ कोर्स इवन फॉर फीमेल कैरेक्टर्स। मैं खास करके एक्साइटेड हूँ कुछ डिजिटल शोज़ को लेके, जिनका मैं हिस्सा बन रही हूँ, जो हमारे देश में बने हुए सबसे बड़े शोज़ में से होंगे, और ऐसे सब्जेक्ट्स पे बन रहे हैं जिनसे मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और आई एम वेरी एक्साइटेड एज एन आर्टिस्ट, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ वुमन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कोई रह नहीं जा रहा। आज ऑफकोर्स 7 लड़कियाँ जीतेंगी 7 स्टेट्स से, लेकिन जितनी भी लड़कियों ने इस कॉन्टेस्ट में भाग लिया है, उन सबको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम मिस इंडिया में भाग लेते थे, तो 21 लड़कियाँ नेशनल लेवल पर जाकर पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन आज जो इस स्टेट लेवल पे जो कॉन्टेस्ट होता है, इसके वजह से हर स्टेट की जो लड़की है, जो 3 फाइनलिस्ट हर स्टेट से चुनी जाती हैं, उन्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एक तो उनको स्पॉटलाइट मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है उनका, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक जो स्टेट लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बहुत सारी मिल जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए, संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए, अपना खुद का बिजनेस करने के लिए, वो जो भी चाहे, उनके लिए बहुत सारी आदमी मिल जाती है। रेगुलर आपको देखते थे, काफ़ी समस्या काफ़ी कम नज़र आते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो रेगुलर आपके रेगुलर देखते हैं? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं हमेशा आपके दिल में रहूँगी, लेकिन आई थिंक समय के साथ और अनुभव के साथ इंसान कुछ चॉइसेस करता है, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ूंगी जिनसे मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है। मैं पैसों के लिए काम नहीं करती, मैं खुशी के लिए काम करती हूँ। तो जब मैं संजू जैसी फिल्म करती हूँ और उसको लोग देखते हैं, फिल्म को सरवाते हैं, काम को सरवाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
आई थिंक जब लड़कियों के बारे में बात किया जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि लड़कियाँ ठीक तरह से जानकारी हासिल करें किसी प्लेटफॉर्म के बारे में, उससे जुड़ने से पहले कुछ लोगों से बात करें, उसके बारे में जितनी भी सवाल उन्हें उठाने चाहिए उठाएँ बिफोर दे बिकम पार्टिसिपेंट्स। जब आपके सामने मिस इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी हर बात के लिए ऑब्वियसली बहुत महत्व दिया जाता है, ऐसे कॉन्टेस्ट में भाग लें जहाँ पे आप जानते हैं कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत होते हैं, एंड आई फील दैट वीमेन हु आर ट्रू टू देमसेल्व्स, हु आर ऑनेस्ट एंड रिफ्लेक्ट दैट ऑनेस्टी इन देयर परस्यूट ऑफ व्हाटएवर द इट इज दैट दे चूज, व्हाटएवर लाइन ऑफ पैशन और वर्क, देयर इज नथिंग मोर अट्रैक्टिव देन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एंड यू कुड बी एनीथिंग। A woman who's self-assured and confident is beautiful. And they're fixated with size these days. I'm sure being fit is very good, but what comments do you have on being fixated with certain sizes? I think the fixation on a size should be the health. There is nothing more empowering than strength and health. And I think the most important requisite for a woman is to feel strong and to fall. To know that she's supported by her system, which is her own physical body, enable her to do the work that she pursues in life. And those who are fixated with being size zero, being very thin, must understand that it's transient, it's unhealthy, and it's not something that empowers you. Thank you so much. Thank you. Yoga is, I think, a very important ammunition इंसान को बहुत पावरफुल बनाता है कि चाहे वो ध्यान योगा या फिजिकल योगा, दोनों को जब आप अपनी ज़िंदगी से जोड़ते हैं तो जिस तरह की आपकी विचारधारा है, जिस तरह के आपके काम करने की जो एबिलिटीज़ हैं वो सब बहुत इम्प्रूव होती है। एंड फॉर मी आई थिंक पर्सनली द मोस्ट पावरफुल डिस्कवरी आई मी इज द पावर ऑफ द ब्रेथ। I meditate every day and it's really changed my life. And without yoga, I think I would not feel or be able to do half that I'm able to do in my life. Do you work out daily? Yes, I do. But I make sure I do my pranayams every day. More so now is because we are exposed to so much more, and women are just generation by generation, year on year, becoming, you know, they're smarter, they're more aware, very self-aware, very confident at a young age on huge platforms like this, which is really nice to see. Something about Delhi, how often you come here, how is it? I love the weather out here right now. It's beautiful. You know, my skin is amazing. My hair looks amazing. I don't feel like going back to Bombay because this weather is just lovely out here right now. How are you feeling to be a part of this pageant once again as a judge tonight? It feels amazing because I remember exactly 1 year ago I was a contestant here, and this time I'm coming back but as a judge. So I think it feels great, you know, to be able to experience different shades, and I'm super excited to see the contestants as well. All right. So what are you looking forward tonight? Like in the girls, like what do you think they're going to make it to the finals, and you know? Absolutely. I think from the north zones, the expectations are always high. Seeing the last 2 years have really proved their mettle in terms of pageants from the north zone, in fact. So I think after Manushi, after me and the other girls also, they've done really well from north. So what I'm looking for is the individuality, because I think that's one thing that's going to make them stand out from the rest. So that's one thing that I really want them to stick to. The rest is absolutely what they've groomed themselves about, and you know, how they're going to perform tonight.
Any message for the girls? Absolutely. I'd like to wish each and every girl all the best. And this is your time. This is your moment. Feel it, enjoy it, and live it. Thank you so much. Thank you. Okay. So Gayatri, how are you feeling tonight to be a part of this pageant once again as a judge? It feels absolutely amazing being here again because it brings me lots of bittersweet memories, mostly sweet. But also, it's been a year and it's unbelievable how far I've come and how many new milestones I've crossed. So I'm so very grateful for this opportunity and now I'm on the other side of the table. So yeah, really excited. I think next question is, this is okay, a little louder because, a little louder. Can we have silence please? Okay, so we are looking for a girl who is absolutely unapologetically herself and that is the most beautiful thing about any human being. So that's exactly what we're looking for. And yeah, I'm just excited to see all the girls and how they're performing and just very excited for the show tonight. Any final advice to the girls? Yes, my biggest advice would be to be in the moment and to enjoy every bit of it because it's not going to come back. Those moments of glory on stage are just like they're going to bring you goosebumps every time you think about it after. So all the girls, all the very best to you and give your 100% and make the most of it. Thank you so much, guys. Any message or advice for the girls? I personally hate giving advice because I think everyone knows what they're doing. But it would be to be themselves. When you're yourself, you lend your personality to whatever you're doing. Be it a pageant like this, be it work, be it anything. You know, be it reaching out to people. If you're yourself, every individual is special. And I genuinely feel so. It's just, I'm not just saying this. It does lend that individual personality or individual insight to the outside. Thank you, sir. Pose for the sir. क्या कहेंगे फैशन को किस तरह से देखते हैं? फैशन को तो ऐसे देखता हूँ मैं अपनी तरफ से तो मुझे जो अच्छा लगता है वो पहनता हूँ कितना फेमिनिन एथनिसिटी है उसके लिए मैं बोलूँ कि जैसे लास्ट टाइम मानुषी ने जीता था तो शी हैज मेड इंडिया प्राउड आई फील ऑल द कंटेस्टेंट्स सो आई विश देम ऑल द लक आगे तक के लिए फैशन तो बॉलीवुड से कैसे मेक करते हैं फैशन को कितना ज़रूरी है बॉलीवुड में जितनी हमारी ड्रेस है उनके लिए फैशन इज़ इम्पोर्टेंट यस मैं तो अपने नज़रिए से बताता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा फैशन के अंदर ना हूँ पर जब आप कुछ ज़िंदगी में कर लेते हो आप कुछ भी करो उसी फैशन में चलिए करो आप और आपके जो गाने हैं उसमें भी आज किसी मॉडल के लिए आप जैसे आपके हर बार आप कोई नई मॉडल को आप लेते हैं ऐसा सोच के नहीं आया बट यू नेवर नो हो सकता है कोई आज स्टेज पर कोई आज तेरा नखरा करके आपको जो स्टेज परफॉर्मेंस होने वाले कोई गाना हाँ मैं तीन गाने आज कोई दो लाइनें आज हमारे मीडिया को भी हाँ जी सर द लास्ट सॉन्ग जो आया था उसकी तेरा मुखड़ा चांद टुकड़ा तेरी तेरे शू क्या तेरा काजल कर पागल हिप्नोटाइज करे जट नू क्या लास्ट में क्या मैसेज आप देकर जाएंगे आज इंटरेस्टेंट हैं जो रह जाएंगे इसके अंदर उनको क्या कहना मैं यही कहना चाहूँगा कि इट्स जस्ट द स्टार्ट ऐसा नहीं होता कि एक बार कोई रह गया तो उसके बाद सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं आप देखेंगे जिन्होंने भी दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें करी हैं तो वो एक बार में नहीं होंगे उन्होंने पता लग जाएगा थोड़ी देर आजकल बॉडी पॉजिटिविटी बॉडी इमेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और फैशन और रिलेटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उसके बारे में आपका कोई कमेंट बॉडी इमेज बॉडी इश्यूज लोग कहते हैं कि जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो रियल लाइफ से कभी हटकर होता है कभी नहीं होता तो रिलेटेबिलिटी अगर हम आपके फैंस की बात करें आप उनसे किस तरह से रिलेट करते हैं टर्म्स ऑफ फैशन जो आप पहनते हैं लोग आपको फॉलो करते हैं तो रियल लाइफ में फैशन को जब हम रिलेट करते हैं तो उस चीज़ को आप उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे इनका कहने का मतलब ये है कि आजकल एक्टिंग में जितने एक्टर्स हैं वो जिम जाना जो है काफ़ी कंपलसरी हो गया उनके जो बॉडी बिल्डिंग है वो आप इसलिए बोल रहे हैं आई वाज टॉकिंग अबाउट जब हम फैंस को जब फैंस आपको देखते हैं
तो वो आपको फॉलो करते हैं, जो आप पहनते हैं वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं. लेकिन कई बार जो आप स्क्रीन पे पहनते हैं वो रियल लाइफ में पहनना ना पहनना, फैशन उस तरह से इतना रिलेटेबल कई बार नहीं होता. नहीं होता. तो उस चीज़ के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि जैसे ब्लाइंडली लोग फॉलो करने लग जाते हैं, तो जो चीज़ कैमरे पे अच्छी लगती है कई बार रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती, तो उस बारे में मैं आपका कमेंट चाहूंगा. बारे में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फैशन इज समथिंग जो आप पे, जो आप पहनो और आप पे अच्छा लगे. तो मैं भी वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि जो चीज़ें मैं पहन के देखता हूँ अगर अच्छी लगती है, अपने आप को अच्छी लग रही है, देन आई वेयर देम, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा और करने की जरूरत नहीं है. एनी मैसेज फॉर योर फैंस दैट यू हैव? वन, थैंक यू फॉर ऑल द लव टू लव, यू हैव लव्ड ऑल द सॉन्ग्स, थैंक यू वेरी मच. एंड मेरे लिए, मैं, मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि जस्ट फॉलो योर पैशन व्हाटएवर इट इज एंड जस्ट गिव योर 100%.